सर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखती हैं और सुनते कानों को मेरा सलाम। जी तो नाज़रीन, आज एक मैं ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं आपके पास। आज ना किसी लड़की की बात होगी ना किसी लड़के की मोहब्बत की, आज सिर्फ बात होगी दो भाइयों की। भाई भाई एक दूसरे के बाजू होते हैं, कैसे होते हैं ये स्टोरी बता दिया शाहिद भाई ने और जाहिद भाई ने बता दिया कि भाई 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 एक दूसरे के बाजू किस तरह होते हैं। होता यह है कि शाहिद भाई गुज़श्ता अरसा पहले एक घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान प्रॉब्लम को फेस करते होते, बड़ी मुश्किलात में पड़ते हैं। बड़े भाई जाहिद भाई इनकी सपोर्ट करते हैं, अपना कारोबार, अपनी तमाम चीज़ें, जो कारोबार की जो स्पेसिफिक चीज़ें थी उनको सेल आउट करके इनकी हेल्प करते हैं। और कुछ ही अरसे बाद शाहिद भाई सेट होते हैं, अल्लाह की खैर होती है, अपने कदमों पे खड़े होते हैं और अपने भाई को एक बड़ा गिफ्ट करते हैं। मॉडर्न दौर की जो लेटेस्ट गाड़ी है वो गिफ्ट करते हैं, और गिफ्ट करने का क्या स्टाइल है वह स्क्रीन पर दे सकते हैं। तो जाहिद भाई से जानेंगे कि क्या फीलिंग थी, क्या तासुरात थे। आजकल आपको पता है भाइयों भाइयों के कैसे रिलेशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद भाई सबसे पहले मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपने हमें टाइम दिया है। ये बताइएगा शाहिद भाई ने जिस तरह से सरप्राइज़ दिया, मोहब्बत की है आपके साथ, क्या फ़ील हो रहा है? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ जी। तो मेरे लिए इनके लिए दुआएं हैं, तो जो मैं देता रहा हूँ और देता रहूँगा, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, ये खुश रहें, आबाद रहें। शाहिद भाई, जाहिद भाई ये बात है कि छोटे भाई हमेशा लेते हैं, देते नहीं हैं, तो ये इस तरह कैसे हो गया, ये इस पे क्या कहते हैं? हाँ जी ये तो है, लेकिन अल्लाह ताला अगर छोटे भाइयों को दे तो बड़े के पास ना हो तो दे दे तो कोई मजायका नहीं है। तो हम जाहिद भाई की और शाहिद भाई की जो हमारे साहब वालदा मोहतरम है माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मान जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है माशाल्लाह? अल्लाह का शुक्र बेटा जी। मां जी माशाल्लाह के आपके जो दोनों जवान बेटे हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पर आए हैं, तमाम सोशल मीडिया की जीनत बने हैं, क्या फ़ख्र महसूस हो रहा है? मैं तो पहले सोच भी नहीं सकती थी कि ये वक्त भी मेरे बच्चों पर आएगा, लेकिन अब मैं खुदा का लाख करोड़ अरबों शुक्र अदार करती हूँ कि अल्लाह ताला इनको अपनी हुज़ूर माँ में रखे, बुरे वक़्त बुरी नज़र से बचाए और इनका हमेशा इत्तफाक रहे और मेरा साया इनके ऊपर है और मेरी दुआएं इनके साथ है दिन रात के लिए। माजी जब ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है, जाहिद भाई शाहिद भाई सोशल मीडिया पे आते हैं, बड़े बड़े चैनल आते हैं घर पे, तो रिलेटिव में क्या रिस्पॉन्स है, क्या कहते हैं रिश्तेदार? बात सब खुश हो रहे हैं, इसलिए मेरे भतीजों के पास कोई अच्छे फ़ोन आए हैं, लंदन से आए हैं कि अब आंटी ये देखे। मैं क्या, मुझे तो पता भी नहीं था क्योंकि कभी सोशल मीडिया देखा नहीं था, तो बस वो भी दुआएं दे रहे हैं। मैं भी कह रहा बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को ज़िंदगी दे, कामयाबियां दे, खुशियां दे और मुझे देखने नसीब करे। देखा हम बात कर रहे थे जाहिद भाई और शाहिद भाई की वालदा से, अब बात करेंगे जिनका अहम किरदार है, थोड़ा सा दूर है माइक, उनको पिक करना पड़ेगा। शाहिद भाई अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, हमेशा आप खुश रहें, आपकी वालदा भी आप खुश रहे, हमें बताइएगा ये सारा सिलसिला कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुदस्सर। हुआ ये कि मैंने एक घर ख़रीदा, वो भी अपने भाइयों के लिए ख़रीदा, तो जॉइंट फैमिली है, हमने इकट्ठे ही रहना है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की, रेनोवेशन शुरू की, तो बड़े नक्शे बनाए, वो भाई की निगरानी में ही सारा काम हो रहा था क्योंकि इनकी ड्यूटी थी उसकी कंस्ट्रक्शन करवाना। तो वो कंस्ट्रक्शन हमने एक मैप फाइनल किया, रूम इस तरह के होने चाहिए, ये होना चाहिए, लॉन इस तरह होना चाहिए, टीवी लॉन्च कैसा होना चाहिए, अम्मी का बेडरूम, फॉल सीलिंग, बाथरूम, तो कोई 3-4 महीने वो कंस्ट्रक्शन चली। तो ये ख़ुद भाई अपने बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के साथ फिरोजपुर रोड पर जाते थे मार्केट में, वहाँ से बाथरूम फिटिंग पसंद करते थे, टाइलें पसंद करते थे, बाहर कैसी होनी चाहिए, रूम की कैसी होनी चाहिए, तो वो एक बड़ा एक ईद का समा चल रहा था। तो इसी दौरान वो लॉकडाउन हुआ और सारे कारोबार डिस्टर्ब होने शुरू हो गए, तो मेरे साथ भी एक मिसअप हो गया कि मेरे पार्टनर्स थे उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, तो पैसे मेरी वो पार्टनरशिप ख़त्म हो गई। तो वो भाई को मैंने कहा यार पैसे ख़त्म हो गए हैं, नौकरी भी ख़त्म हो गई, तो अब तो मुझे कुछ टाइम लगेगा, तो इन्होंने कहा यार वैसे भी आजकल बिज़नेस कोई नहीं है, तो मैं अपना बिज़नेस सारा सेल आउट करता हूँ, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था, इन्होंने अपनी गाड़ियाँ बेची, वो सारे पैसे इन्होंने घर में लगा दिए, तकरीबन घर कम्प्लीट के नज़दीक था। इतनी देर में वो मेरे जो एक्स पार्टनर थे उन्होंने मुझे ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, तो समझ लें कि वो घर भी अब हमारे पास नहीं है, वो लोग फ्रॉड में ले गए मुझसे। खैर
अब मैं डबल क्राइसिस में था कि वो घर जिसके ऊपर मैंने ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई, अपने बहन भाइयों के लिए सपना देखा था कि ये होगा ये होगा, बच्चों ने खुद डिज़ाइनिंग की, तो वो सपना जब टूटा तो मैं बड़ा रोया और अल्लाह से दुआ की। मेरी माँ ने मुझे हौसला दिया, मेरे भाइयों ने मुझे हौसला, मैं यहीं पे बैठा था, यहाँ पे मेरे भाई बैठे थे, जब मैंने डिस्क्लोज़ किया यार वो जो लोग हैं ना वो अब उनके पास मेरे चेक थे, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा यार हम तेरे से वार के फेंक देते, तो एक घर क्या 10 घर तेरे से वार दें, तूने टेंशन नहीं लेनी, जो तू बेहतर समझता कर। मैंने इतना हौसला पकड़ा, सुबह गया मैंने कहा यार ये लो पकड़ो चेक, ये लो घर, ये लो पैसे, जो मेरे पास थे मैंने सब दिए, तो उनको फ्रॉडियों से जान चढ़वाई। अब मैं भी बेरोज़गार, मेरा भाई भी बेरोज़गार। अब अल्लाह का शुक्र है माँ बाप ने हमेशा मेहनत करना सिखाया और हलाल का लुकमा खाना सिखाया है, ये तो मामला ठीक हो गए। अब सबसे पहले जो टारगेट था वो बड़े भाई को राज़ी करना था, उसकी जो कमियाँ कोताहियाँ में रह गई थी उसको पूरा करना। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, अब खुशियाँ वापस लानी है, तो मैंने सोचा यार आल्टो ले लेता हूँ, कभी मैं सोचूँ वैगनार देता हूँ, कभी मैं सोचूँ, मैं चाह रहा था एक गिफ्ट होना चाहिए, ऐसा गिफ्ट होना चाहिए कि वो 6 महीने साल की जो तकलीफ़ है ना वो ख़त्म होनी चाहिए। और ये ऐसा गिफ्ट था कि पूरी ज़िंदगी जी, तो वो कारोबार तो करना ही करना है ना, वो तो करना ही करना है, वो अपनी जगह पर है। मैं चाह रहा था कि भाई अभी फ़ौरी तौर पर उनको रेस्क्यू किया जाए, ऐसे तरीके से रेस्क्यू किया जाए कि वो छलांगे मारते मारते बाहर आएँ। जब बंदा एक डूब रहा होता ना, समझ रहा मैं डूब रहा हूँ, तो जब उसको ऐसा रेस्क्यू मिले कि वो उसको साथ वो हाथ पाँव भी मारता बाहर निकले, क्या बात है, हंसता हंसता बाहर निकले। उसने कहा जी इजहार बात कर रहा हूँ, और जी मैं टोयोटा से बात कर रही हूँ, वो आपकी गाड़ी आ गई। कहता मैडम आपको गलत फहमी हो रही है, अभी 2 महीने नहीं हुए मेरी गाड़ी बुक हुई को। क्या उसने ईडीओ शीओ हर चीज़ बताई। कहता जी मैं ही हूँ। उसने कहा जी आपकी गाड़ी आ चुकी है, आप सुबह रिसीव कर लें। वो थैंक यू। मुझे कहता यार बॉस ये क्या है, ये तो आज मोर्जा हो गया यार, 2 महीने भी नहीं हुए मेरी गाड़ी आ गई। मैं भी एकदम उठ के मैंने चीख मारी, मैंने कहा यार या अल्लाह तेरा शुक्र है, और मैंने उसका शुक्र अदा किया। तो फ़ोन आया, मैं फ़ोन सुना तो वो उर्दू पॉइंट से, उन्होंने कहा जी ये हो गया। मैंने कहा यार क्या कर रहे हैं। मैंने फ़ोन के दौरान जब देखा तो मैं खुद परेशान हो गया, वो ये क्या हो गया। मैं वापस आया हूँ, मैंने इनको बताया, मैंने कहा जनाब हम वायरल हो चुके हैं। इन्होंने अपने अपने मोबाइल खोले, तो जनाब वो बात तो जंगल में आग की तरह फैल गई। तो मैं जब मुझे चीज़ें कन्फर्म हुई क्लियर हुई तो मैं रो पड़ा। क्या इज्जत मिली अल्लाह की तरफ से। अच्छा शायद भी लास्ट में मैं कहना चाहूँगा माशाल्लाह अभी भी शायद भाई थोड़ा सा ना इमोशनल भी हैं, वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं कहता हूँ कि शायद भाई वन ऑफ दी एक ख़ास बंदे हैं जिन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि अपनी एक मतलब बचपन की लाइफ में कुछ चीज़ें मिस करता है कि यार काश है ना ऐसा होना चाहिए, तो शायद भाई को इस एज में ऐसा मुकाम मिल गया। पाकिस्तान के वो चैनल जो कभी एक छोटे चीज़ें को टच नहीं करते, बड़े बड़े चैनल वेब चैनल की ये जीनत बने हैं, वो इनके पास आते रहे हैं, इनके पास आके इनसे टाइम लिया है, तो रियलिटी में यूरोप कंट्री से ख्वाब मेडल ईस्ट यूके कैनेडा वहाँ से भी कमेंट्स आए हैं। माँ जी माशाल्लाह।